मध्य प्रदेश 27 जुलाई 2021 मंगलवार आज की अभी अभी की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों इसी तरह के अपडेट न्यूज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बड़ी कैबिनेट की बैठक आज कई अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। दर्शकों मध्य प्रदेश में आज एक बार फिर से सुराज कैबिनेट की बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह करीब 11:30 बजे होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही कई नवीन प्रस्तावों के लिए चर्चा भी की जाएगी। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है आईएएस अधिकारियों का खुलासा, हर 4 दिन में ट्रांसफर के लिए हो रही बैठक, पत्र में अन्य जानकारी से मची हलचल। दर्शकों मध्य प्रदेश में हर 4 दिन में आईएएस के ट्रांसफर के लिए बैठक हो रही है। जी हाँ, हम यह नहीं कह रहे हैं, खुद डीओपीटी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गए आंकड़े कह रहे हैं। प्रदेश के युवा आईएएस अधिकारी लोकेश जांगड़िया ने अपने ट्वीट के माध्यम से इस पत्र का हवाला देते हुए जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है, अब परिवार के एक से अधिक सदस्यों को भी मिलेगा लाभ। दर्शकों आप बता दें कि क्या एक समय में एक से अधिक पारिवारिक पेंशनर्स व्यक्तियों को 7th पे कमीशन पारिवारिक पेंशन दे हो सकती है? यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। आमतौर पर एक सवाल में यह एक पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन देय होती है, हालांकि कुछ विशिष्ट मामलों में पेंशन और पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग पेंशनर्स के लिए समान शहरों में पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है एसडीएम को पीटने वाले पुलिस के फरार आरोपी पूर्व विधायक कैबिनेट मंत्री संग घूमते रहे हैं, पुलिस बनी रही मुखदर्शक। दोस्तों एमपी के कैबिनेट मंत्री व टीकमगढ़ के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग सोमवार को टीकमगढ़ दौरे पर आए हैं। इस दौरान वह अपने साथ पूर्व विधायक के श्रीवास्तव को लेकर दिन भर कार्यक्रम आयोजित करते रहे, जबकि पूर्व विधायक के श्रीवास्तव कोतवाली पुलिस के अभी फरार आरोपी हैं। पूर्व विधायक के श्रीवास्तव पर टीकमगढ़ एसडीएम को पीटने का आरोप है, इसलिए इनके विरुद्ध कोतवाली में एफआईआर दर्ज भी है और यह पुलिस के फरार आरोपी भी हैं। अब यहां यह गंभीर सवाल है कि जब वह पुलिस के फरार आरोपी हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है और आज दिन भर वह मंत्री विश्वास सारंग के साथ घूमते दिखाई दिए। इसके साथ ही टीकमगढ़ पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है धूमेश्वर पर नदी में डूबे दोनों दोस्तों के शव बरामद, पुलिस के साथ गए थे पिकनिक मनाने। दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि मृतक आपस में गहरे दोस्त थे और इंजीनियर थे। किशन का परिवार नई सड़क पर रहता है जबकि किशांतु का परिवार कंपू में रहता है। घटना के बाद से परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्वालियर जिले के डबरा ब्लॉक के भीतरवार क्षेत्र में स्थित भूतेश्वर महादेव धाम के पास बहने वाली सिंध नदी में रविवार को डूबे दो दोस्तों के शव सोमवार को मशक्कत के बाद बरामद कर लिए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर छिंदवाड़ा से मजदूरों के 12 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। दर्शकों आपको बता दें असंगठित कामगार कांग्रेस उमरेठ ब्लॉक और जिला कामगार संगठन के ने मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक कर राज्यपाल के नाम तहसीलदारों को 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। असंगठित कामगार कांग्रेस उमरेठ ब्लॉक और जिला कामगार संगठन ने मजदूरों से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर वासुदेव शर्मा जिला उपाध्यक्ष कामगार कांग्रेस के साथ ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बैठक में बोले भूपेंद्र सिंह समय सीमा में पूरा करें प्रोजेक्ट, विलम्ब नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्वीकृत प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरा करें, किसी भी प्रोजेक्ट में अनावश्यक विलम्ब नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है खाद्य मंत्री का बड़ा बयान, करोड़ों की योजना तैयार, हर जिले से जुड़े 1-1 लाख हितग्राही। दोस्तों मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाऊलाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश के गोदामों के उन्नयन के लिए 225 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। निःशुल्क राशन वितरण के अंतर्गत सूची में 55 लाख लोगों को और जोड़ा जा रहा है। इस अवसर पर जिले के 1 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत सूची में जोड़ा जाएगा।
अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान, आप निवेश करें सरकार देगी सुविधा। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण है। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर है, 1 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार का लक्ष्य लेकर चल रही है शिवराज सरकार, ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं निवेश के लिए अत्यंत अनुकूल वातावरण है। सरकार रियायती मूल्य पर भूमि, बिजली तथा उद्योगों के लिए हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करा रही है। आप निवेश कीजिए और क्षेत्र का विकास कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश के स्कूलों से नए सत्र से पहले स्कूल शिक्षा विभाग के छात्रों को बड़ी राहत, दिए निर्देश। दर्शकों आपको बता दें कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों और पात्र बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने RTE के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में छात्रों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश निशुल्क प्रवेश के लिए पात्र बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आइए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जो निकल के आ रही है MP बोर्ड से 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, 29 जुलाई को घोषित होगा रिजल्ट। कक्षा MP बोर्ड कक्षा 12वीं की अंक सूची में कक्षा 10वीं के 5 मुख्य विषयों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के रिजल्ट जारी करने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मंडल द्वारा 12वीं का रिजल्ट 29 जुलाई 2021 दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट mprizult.nic.in या mpbse.mponline.gov.in और mpbse.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इनमें सब में से आपको कौन सबसे अच्छी अपडेट लगी है वो आप हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं।